की स्टोरी लाइन यहाँ पर ही इस समर स्लैम में खत्म हो जाएगी। क्या जिमी उसो रिटर्न ही नहीं होगा? क्या जय उसो इस मैच को हार जाएगा? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिमी उसो और रोमन रेंस की एक फ्यूड सामने आई है। क्या दोस्तों, रोमन रेंस और जय उसो का मैच की स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है, जिसके अंदर से हमें पता चलता है कि इस मैच में जिमी उसो की रिटर्न नहीं होगी। दोस्तों, आपने सही सुना, जिमी उसो आने वाले ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों WWE ने ब्लड लाइन का चैप्टर को यहीं क्लोज करना है, जिससे ये पता चलता है कि जिमी उसो वापस ही नहीं आएंगे और जय उसो इस मैच को इजीली हार जाएंगे। तो दोस्तों, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का एक नया डोमिनेशन दिखेगा, जिसके अंदर रोमन रेंस जय उसो को इस मैच में इजीली हरा देंगे और दोस्तों इस मैच की कसर सोलो सिकोवा पूरी कर देंगे और सोलो सिकोवा जय उसो को भी हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर की एक न्यू अपडेट आई है कि ब्रॉक लेसनर को अगले 3 पेपर व्यू के साथ बुक किया है, जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर सऊदी इवेंट और आने वाले 2 पेपर व्यू में साथ देंगे। दोस्तों, क्या ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का एक और मैच होगा? क्या ब्रॉक लेसनर एक नए अपोनेंट को फिर से चैलेंज करेंगे? दोस्तों, आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, एक नया रूमर भी आया है कि सोलो सिकोवा को इस समर स्लैम मैच के बाद बहुत ज्यादा पुश मिलेगा। पहले तो वो अटैक करेंगे जय उसो पर और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, एक नया चैंपियनशिप टाइटल के लिए सोलो सिकोवा सेथ रॉलेंस पर भी अटैक कर सकते हैं। और दोस्तों, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा एक नए चैंपियनशिप टाइटलों के साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये अपडेट के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल प्रेटर रेसलिंग पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।